गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं जा रहा हूँ बीच पे, और कोई ऐसा वैसा बीच नहीं, ना खेलवा, ना चिंचिन, ना जूह चौपाटी। आज मैं जा रहा हूँ आलेवाड़ी बीच, बहुत ही अच्छी जगह है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ आलेवाड़ी बीच, वहाँ पे कितना सुकून मिलने वाला है आपको और मुझे। चलो बाय। तो हम निकल चुके हैं बाइक पे, और यहाँ से आलेवाड़ी 8 या 9 किलोमीटर है। तो वहाँ पे बहुत टाइम बाद जा रहा हूँ, आई थिंक सो 1 या 2 साल के। देखते हैं कैसा वहाँ का लोकेशन चेंज हुआ है या नहीं, पेड़ पौधे बड़े हुए हैं या नहीं, या छोटे के छोटे हैं। चलो चलते। ओह शिट, गाड़ी में पेट्रोल भरना तो भूल ही गए। पेट्रोल के बिना हम तो चल भी नहीं पाएंगे या हिल भी नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेट्रोल गाड़ी में भरते हैं, फिर चलते हैं आलेवाड़ी बीच। देख सकते हैं चिंचिन बीच और लाइन से लगे पेड़। और मैं आपको बताऊं, जब मैं काफ़ी साल पहले यहाँ पे आया था तो ये पेड़ बहुत ही छोटे थे, बहुत ही छोटे। और आज ये पेड़ देखो कितना बड़ा हो गया। ये पेड़ देखो, देखो पेड़, ओ पेड़ देखो कितना बड़ा हो गया। पेड़ देखो, ओ पेड़ देखो बड़ा हो गया है ये पेड़। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और KTM 200 एंड XS 125 CC। तो आपने देख लिया, फाइनली हम बीच पे पहुंच गए। और ये बीच काफ़ी, बीच बहुत बदल गया है, बहुत बदल गया है। जब मैं आया था तो यहाँ पे जो पेड़ है बहुत ही छोटे छोटे थे, और आज वो आज वो पेड़ बहुत बड़े हो गए, जिसके वजह से ये बीच बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। मैं आपको आगे भी दिखाऊँगा ये बीच कैसा है, और आप भी देखना।
एटीएम हो थैंक यू हे गाइस एक प्रॉब्लम है छोटा सा अगर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या पेटीएम यूज़ करते हैं तो पर आलेवाड़ी इलाके में कार्ड नहीं चलेंगे पेटीएम नहीं चलेंगे तो जब भी आप आएंगे इस एरिया में तो कैश लेकर आना बैड न्यूज़ यहाँ का एटीएम ख़राब है और कैश नहीं निकाल सकते तो हम वापस जा रहे हैं आलेवाड़ी बीच घूमते हैं और बिना कुछ खाए पिए अगेन घर पे जाएंगे पर मैं आपको बोलना चाहूँगा बीच जो है बहुत ब्यूटीफुल है आपको कभी टाइम मिला तो ज़रूर आप बीच पे आना आलेवाड़ी बीच जो बोईसा से 6 या 7 किलोमीटर आगे है सीधा रास्ता है बस चेक करेंगे वहाँ पे एटीएम है या नहीं अगर एटीएम नहीं तो बीच घूम के सीधा घर को आप सोच नहीं सकते हम उस वक्त कौन से एटीएम में कहाँ पे हैं ना मुलबे ना आलेवाड़ी ना नवापुर और इस तीनों जगह पे आपको एटीएम पेमेंट डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पेटीएम ये कुछ नहीं चलता आप ऐसे जगह पे जाना तो कैश अपने पास ज़रूर रखना नहीं तो हमारी तरह आपको राउंड पे राउंड लगाने पड़ सकते हैं अच्छा हम इस वक्त शिवाजी नगर में आए हैं जो हम अभी 5 किलोमीटर बैक आए हैं वापिस अगेन 5 किलोमीटर जाना है और आपको वापस वीडियो दिखाना है आलेवाड़ी बीच का जो बहुत ही ब्यूटीफुल है तो कैश आ गया है और हम चले आलेवाड़ी बीच वीकेंड है तो सोचा घर बैठे क्या करें तो सोचा चलो बीच पे चलते हैं और आलेवाड़ी बीच के बारे में काफ़ी सुना था तो चलो उसका जाके चेकआउट कर लेते हैं और बचपन में पहले मैं आलेवाड़ी बीच पे गया था पहले वो बहुत सालों पहले मैं बीच पे गया था आलेवाड़ी तो अभी देखते कितना चेंजेस हुआ है पहले और अभी में तो चलो चलते हैं आलेवाड़ी देखते हैं और आपको भी घुमा के लेके आता हूँ मैं आलेवाड़ी बीच